What is the bond angle in an AB2 structure? 180 degrees. शाबाश. Okay. अब आते हैं next वाले पे. Next वाला is an AB3 structure. A बीच में है, B यहाँ है, B दूसरा यहाँ है, B यहाँ है, और अगर मैं इनको ऐसे जॉइन कर दूँ, तो अब मुझे ये बताओ कि ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ. What is this structure? Trigonal. Basically, it is what? It is forming an equilateral triangle. It forms which type of a triangle? अब इनके बीच में एंगल कितना होता है? 120. अब लेट्स लुक एट, अब अगेन एग्जाम में शायद क्वेश्चन ऐसे ना आए. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 अकॉर्डिंग टू वेस्पा. तो बोरोन है माय डियर फ्रेंड्स. बोरोन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 13 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. फ्लोरीन के साथ ये 3 बॉन्ड बना लेता है. एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए. तो यानी कि इट बिकम्स एन ए बी थ्री स्ट्रक्चर. बट इज दिस स्ट्रक्चर करेक्ट दैट आई हैव मेड? ये तो मैंने टी बना दिया. क्या टी स्ट्रक्चर होता है बी का, बी एफ थ्री का? तो अगर स्ट्रक्चर बनाने को आए तो आप ऐसे बनाओगे. ठीक है, क्लियर है अब ये स्ट्रक्चर? अब आते हैं ए बी फोर पे. ए बी फोर सबसे मजेदार वाला है. आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है. ए के साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड. अब सारे बी को एक दूसरे के साथ जोड़ दो. ये बी इधर जुड़ गया, ठीक है, ये बी इधर जुड़ गया. तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या अ टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, अब जो मिथेन का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 14 means 4 electrons in the outermost shell. 4 electrons in the outermost shell. It starts forming bonds with hydrogen. तो hydrogen के साथ methane में कितने bond बनते हैं? 4. तो यानी कि basically CH4 क्या होगा? C like this, H like this, H like this, and an H like this. A tetrahedral structure. And what is the bond angle in a tetrahedral structure? 9.5. Okay. अब इसी में देखते हैं. And AB3L structure. Nitrogen के outermost shell में कितने electrons होते हैं? 5. ठीक है. अब इसने bond बनाया hydrogen के साथ. So, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर. तो ए के साथ कितने बॉन्ड बने? 3. और कितने लोन पेयर हैं? 1. यानी कि ए एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, और इधर माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर है. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहां से नीचे से ऐसे जोड़ दूं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म? ट्राइगोनल. एंड ओनली वन पिरामिड इज फॉर्म्ड, राइट? सो ओनली अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर. सो अमोनिया हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर. अब इसी के आगे एक और पे चलते हैं, AB2L2. ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB2L2.
ये देखना, ये वाटर बना, H2O बन गया। अब A के साथ दो बॉन्ड बने हैं एंड एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, सो L2 बना, AB2 L2 बना। अब बनना तो टेट्राहेड्रल चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे, एक लोन पेयर आ गया, एक और लोन पेयर आ गया, यहां से B आ गया, यहां से B आ गया, इसीलिए वाटर का स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इधर से एक लोन पेयर है, इधर से एक लोन पेयर है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, 145। वेरी गुड, देखा, तो 3D से इतने अच्छे से याद हो जाता है। तो अगर वो 3D वाले डायग्राम 5 बार भी देख लोगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं AB5 पे। नाउ व्हाट इज AB5? ए, अब ये एग्जाम में 2D में कैसे बनाएंगे, बी एक गया पेपर के बाहर, एक गया पेपर के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो ये बीच में क्या बना, ये बीच में कौन सा स्ट्रक्चर बना, पहले तो ट्रायंगल बना, अब ये ऊपर इस ट्रायंगल के ऊपर क्या बना, पिरामिड। ट्रायंगल के नीचे क्या बना, पिरामिड। तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। दिस इज विच स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसी में आते हैं SF4 पे। किस पे आते हैं, SF4। अगर हम SF4 देखें तो सल्फर ग्रुप 16 कितने इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सिक्स। ओके, अब एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, तीसरे फ्लोरीन के साथ, चौथे फ्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर बचा, सो इट बिकम्स व्हाट, AB4L। यानी कि बनना ट्राइगोनल पाइपिरामिडल चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, वो लोन पेयर ऐसे आ गया, तो यहाँ पे मेरा बी आ गया, ये बी एंड बी आ गया, एंड द फाइनल बी आ गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, सीसो। ठीक है, अब एक और इसमें बचा है, अगर हम XE F3 करें, XE, not F3, तीन बॉन्ड, 1, 2, 3, 8 होते हैं, 8 बॉन्ड्स होते हैं उसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 चाहिए, हाँ, XEF4। ठीक है, अब देखने में तो ये भी क्या लग रहा है, इट इज व्हाट, अ टेट्राहेड्रल, बट ज़ेनॉन हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 8। कितने फ्लोरीन है, 4। तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए, तो 4 बॉन्ड आ गए, और 4 बॉन्ड के साथ कितने लोन पेयर हैं, 2। सो अच्छा, ये तो मैंने वो कर दिया AB4L2, उसके लिए पहले मैं ऑक्टाहेड्रल सिखाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, ए बी बी एंड बी, तो यहाँ पे हमारा बना एक स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक और बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन उस बॉन्ड के वजह से क्या आ गया, लोन पेयर, बॉन्ड के वजह से क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है, तो ये AB4L2 वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर, नहीं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिडल तो किस में होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल किस में होता है, AB6 AB6 में, ए बी
बी बी एंड द बी, ठीक है। फिर एक बी यहां गया, एक बी यहां गया, तो हमारे पास बीच में स्क्वायर आ गया, ये मेरा स्क्वायर आ गया, लग रेक्टेंगल रहा है, मान लेना स्क्वायर है। और फिर ऊपर से एक पिरामिड बना, ऊपर से एक पिरामिड, ये देखो ये पिरामिड बन गया, और नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे से भी ये देखो पिरामिड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज एन ऑक्टा हेड्रल, ठीक है। तो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन। ए बी टू में क्या स्ट्रक्चर होगा? हाइड्रल लीनियर। ए बी थ्री में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेना, ठीक है। अब ए बी टू एल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी टू एल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी बी एंड लोन पेयर। ए बी टू एल होगा तो क्या होगा? बैंड, एग्जैक्टली। ओके, अब ए बी फोर होगा तो क्या होएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब अगर इसमें ए बी थ्री एल हुआ तो क्या होएगा? अमोनिया वाला स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर इसमें इसमें ए बी टू एल टू हो गया तो क्या होएगा? वाटर वाला स्ट्रक्चर, बेंड, ठीक है। उसके बाद से ए बी फाइव क्या होता है? ट्राइगोनल ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब अगर यही चीज हो गया आपका ए बी फोर एल सी सॉ, ठीक है, सी सॉ स्ट्रक्चर। अगर यही हो गया ए बी थ्री एल टू तो क्या होएगा? टी शेप। टी शेप, ठीक है। अब आखिरी क्या बचा इसके बाद? तो AB6 ए बी सिक्स होएगा तो क्या स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और अगर ए बी फाइव एल हुआ तो क्या होएगा? स्क्वायर पिरामिड। एग्जैक्टली, ये देखना, ए बी 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 एंड बी एंड अनदर बी एंड देन देयर इज अ लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पे ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। लोन पेयर के साथ तो बॉन्ड ही नहीं है, तो ये ऊपर बन गया पिरामिड, ऊपर बन गया पिरामिड, तो इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। और अगर अगर हमारे पास ए बी फोर एल टू आए तो क्या होएगा? स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो ये जो आपके बुक में 5-6 पेजेस में दिए हैं, उसका समरी ये रहा आपके पास यहाँ तक। तो जिसको भी कॉपी करना है प्लीज कॉपी कर लो। दिस इज द नोट्स ऑफ वेस्पर। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से आने चाहिए।